हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको लिंट रिमूवर लेना है बट आप फिलिप्स ब्रांड का लें या अगारो ब्रांड का लें, तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है। आज के मैं आपको मैं दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो जल्दी से आपको अगर बॉक्स दिखाते हैं तो आप देखेंगे बॉक्स की पैकिंग कुछ इस तरीके से, फिलिप्स वाला का जो डिजाइन है वो इस तरीके के डिजाइन में आता है। वैसे अगर आप अगारो ब्रांड के एंड से देखेंगे तो उसका डिजाइन कुछ इस तरीके से आता है लिंट रिमूवर का। कंपनी इसको लिंट रिमूवर कहती है और यहाँ पे फिलिप्स वाली कंपनी इसको फैब्रिक रिमूवर कहती है। बेसिकली दोनों एक ही काम करते हैं। अगर आपके कॉटन के जो क्लोथ होते हैं, विंटर वाले जो आपके क्लोथ होते हैं, उसमें जो बूरा रहती है, दोनों जो मशीन है वो उसको रिमूव करने का काम करती है। कैसी मशीन है उसको आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो दोनों प्रोडक्ट है आपके, दोनों मेड इन चाइना के हैं। चाहे आपको लगे ये इंडियन ब्रांड है या नहीं ब्रांड है वो मुझे नहीं पता, बट दोनों के दोनों प्रोडक्ट आपके मेड इन चाइना है। एक में आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है, आपको इसमें 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, बट वारंटी किसी काम की नहीं है तो उसके लिए आप ज्यादा ना सोचें। तो बॉक्स को साइड करते हैं और आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि कैसे ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो अगर प्रोडक्ट आप देखें तो जैसे आपको मैंने बताया फ्लिप्स वाला कुछ इस तरीके का आता है, सेम तरीके का डिजाइन। अगर आप कोई लोकल नोवा ब्रांड का ले रहे हैं या किसी और लोकल ब्रांड का ले रहे हैं तो आपको 300 से 400 रुपए के इस डिजाइन वाले और इसी तरीके के फंक्शनैलिटी वाले आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में लिंट रिमूवर इजिली मिल जाएंगे। अगर इसकी बात करूं तो इसमें आप इस साइड से रिमूव करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे लिंट है बूर है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है, और अगर आप इस साइड से इसको बैक साइड से ओपन करेंगे तो आपके यहाँ पे 2 सेल लगते हैं जिसकी हेल्प से ये वर्क करता है। और इसमें एक इस साइड पावर का ऑन ऑफ का बटन दे रखा होता है जिसको अगर आप उसको ऊपर करेंगे तो ऑन जाएगा, नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन कैप लगी होती है। वैसे अगर आपको अगारो वाला दिखाऊं तो यहाँ पे भी बैक साइड में आप देखें तो यहाँ पे इसका लिंट जो कलेक्टर है जो बूर को कलेक्ट करता है वो इस साइड से बैक साइड से कलेक्ट होता है। फ्रंट में इसका पैनल लगा हुआ है और यहाँ पे इसका पावर का ऑन ऑफ का बटन है। डिफरेंस सबसे पहले आ जाता है कि ये 2 सेल से चलता है। आपको हमेशा 2 AA सेल्स लेने पड़ेंगे इसको चलाने के लिए। अगर आपको कोई अपना पजामा या कोई भी स्वेटर वगैरह क्लीन करनी तो आपको हमेशा 2 सेल लेने पड़ेंगे। बट ये आपका बैटरी ऑपरेटेड है, मतलब इसमें आपकी रिचार्जेबल बैटरी आती है, तो आप इसको एक बार रिचार्ज कर लें अपने चार्जर के थ्रू तो ये आसानी से 40 से 45 मिनट चल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके के कपड़े पे आप चला रहे हैं। तो एक तो मेजर डिफरेंस ये दिख जाता है कि इसको आपको यूज करने के लिए हर बार 2 सेल परचेस करने पड़ेंगे, और इस केस में आपको कोई भी सेल परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप इसको चार्ज करिए और आसानी से यूज कर सकते हैं। दूसरी बात कहीं प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें आपको बस एक ही प्रोटेक्शन ये मिलती है अगर ये एरिया हल्का सा टाइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ढीला कर दूं तो आप देखेंगे ये तब भी चल रहा है, अगर इसको थोड़ा और ढीला करूं तो तब नहीं चलेगा। तो इसमें आपको एक ही सेफ्टी फीचर मिलता है, और मान लीजिए आपके ये नीचे का कैप खुला रह जाए तो भी ये मशीन काम करती है। तो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलिप्स की मशीन थोड़ी पीछे है। और अगर आपको यली मशीन दिखाऊं तो अगर आपकी मान लीजिए जैसे यली कैप खुली रह जाए तो ये मशीन काम नहीं करेगी। वैसे अगर ये टाइट है तब भी काम नहीं करेगी जब तक इसकी लीड पूरी ढंग से टाइट नहीं लगे, तो आप देखिए अब ये काम करेगी। वैसे अगर आपका आगे का फ्रंट पैनल नहीं लगा है तो मशीन काम नहीं करती है। तो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके घर में आप इसको यूज कर रहे हैं या गलती से बच्चों के हाथ में लग जाए, क्योंकि इसका जो ब्लेड है बहुत शार्प होता है तो किसी के भी हाथ वगैरह कट वगैरह सकता है, तो उस केस में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगारो वाली मशीन आगे निकल जाती है। क्योंकि अगर आपका चलते चलते मान लीजिए एकदम से चल रहा है और इसको कोई गलती से, मैं करूंगा नहीं टेस्ट क्योंकि इस तरीके से अगर आप खुलाऊं तो देखिए ये ऑन करने पर नहीं चलेगी, बट जैसे भी इसकी कैप लग जाएगी तो ये चल पड़ती है। वैसे अगर आप बैक साइड का भी अगर ये ओपन है या ढीला भी है तो ये मशीन नहीं चलती है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मशीन आगे निकल जाती है। तीसरे पॉइंट में आया जो कि है इसका डिजाइन। तो आप इसका डिजाइन देखेंगे, ये नॉर्मल डिजाइन है। जैसे आपको मैंने बताया कि आपको लोकल ब्रांड के भी या नोवा ब्रांड के भी सेम इसी डिजाइन के फ्लिपकार्ट अमेजोन में मिल जाएंगे, बट अगर आप इसका डिजाइन देखें तो ये थोड़ा हैमर डिजाइन में आता है, तो ये इजी टू यूज है। जब आप इसको क्लोज में यूज करते हैं दोनों के कंपेरिजन में तो इसको पकड़ के चलाना थोड़ा आसान है अगारो ब्रांड की जो आती है, बट इसके केस में देखें तो आपका हाथ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो इसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं आएगी तो आप यूं करके चला नहीं पाएंगे किसी भी कपड़े पे। बट इसके केस में देखें ये एकदम राउंड स्टिक टाइप है, तो एज अ हैमर जैसा होता है, आप इसको आसानी से यूं करके चला सकते हैं। तो चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यली मशीन ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू फिलिप्स की वाली मशीन से। फोर्थ पॉइंट पे है जो कि है इसकी इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस के पॉइंट में कहूं कि दोनों का अगर आप देखें तो आपको दोनों में हनीकॉम ग्रिल वाला डिजाइन मिल जाता है। और इफेक्टिवनेस के पॉइंट में कहूं तो मैंने दोनों को ढंग से पूरा टेस्ट किया है डिफरेंट कपड़ों में, पजामों में, तो मैं कहूंगा दोनों में 5 से 10% का ही आपको डिफरेंस दिखेगा। कई एरियाज पे आपकी फिलिप्स की मशीन थोड़ी अच्छी चलती है तो कई एरियाज में आपकी अगारो ब्रांड की लिंट रिमूवर वाली मशीन ज्यादा अच्छी चलती है, बट आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा अगर आप नॉर्मल कपड़े में यूज कर रहे हैं। तो अगर इफेक्टिवनेस की बात करें दोनों की मशीन की इफेक्टिवनेस एकदम सेम है। लास्ट अगर आपको एक बार ब्लेड्स का भी कंपैरिजन करके दिखाऊं, जो आपका लास्ट पॉइंट आता है उसके बाद हम प्राइस पे बात करेंगे। तो अगर आपको ब्लेड दिखाऊं तो
तो ब्लेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसके ब्लेड ज्यादा शार्प लगे और ज्यादा क्लीन लगे एज कम्पेयर टू आपके फिलिप्स के। अगर आप फिलिप्स वाले देखें तो उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप इसके ब्लेड को छेड़ें, मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी इनके ब्लेड्स को मत छेड़िएगा, क्योंकि अगर इनके ब्लेड्स की प्लेसमेंट खराब होगी तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे जब भी आपकी मशीन चल रही होगी। तो आप देखेंगे इसके ब्लेड्स इतने इफेक्टिव नहीं है, बट अगर मैं इस अगारो वाले ब्रांड के ब्लेड्स की बात करूँ तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो ब्लेड्स के मामले में भी ये वाली मशीन आगे निकल जाती है। लास्ट पॉइंट जो है वो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइस। अब मुझे समझ नहीं आया कि फिलिप्स ने इसका प्राइस 1350 या 1400 रुपये क्यों रखा है। अगर आप इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट में जाके लेंगे तो आपको 1300 से 1400 के बीच अराउंड पे करने पड़ेगा। वैसे अगर इस मशीन की बात करूँ तो ये मशीन आपको 700 से 800 रुपये की आसानी से अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। तो अगर आप पैसे से भी कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ये वाली मशीन बहुत इफेक्टिव है कंपेयर टू फिलिप्स की मशीन से। तो अगर आप मेरा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू पूछें, अगर आपको फिलिप्स ब्रांड मैटर नहीं करता है तो आंखें बंद करके ये उठाइए। अगर आपको एक अच्छी बैटरी वाली मशीन चाहिए जिसमें आपको बैटरी ना लगानी पड़े, रिचार्ज कर सकें, हाथ में कंफर्टेबल हो, उसको यूज करना इजी टू यूज हो, प्रोडक्ट दमदार हो और पैसे भी कम हो, तो ऑब्वियसली आपकी अगारो की वाली मशीन आगे निकल जाती है। तो दोस्तों अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं, मेरा सजेशन आप इस वाली मशीन को ही लें, फिलिप्स का लेने का कोई लॉजिक नहीं। अगर आपको फिलिप्स का डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप नोवा ब्रांड की 300-400 की जो मशीन आती है लिंट रिमूवर वाली, सेम यही डिजाइन यही कॉन्सेप्ट आप उस मशीन को भी ले सकते हैं। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इन प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।